बात औलाद की है। मैं मानता हूं कि औलाद का दुख सबको होता है, पर औलाद औलाद में भी बड़ा फर्क होता है। बिल्ली के बच्चे और शेर के पुत्र में बड़ा फर्क होता है मास्टर। मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना बचपन वापस आया हो गया। वो बचपन जो मैंने कभी नहीं गुजारा। आप जज्बाती ना हो, जो आप भेजते हैं मैं वही खरीद के आया हूँ। अच्छा, तो फिर हमारी तरफ से 5 लाख आखिरी। वो उनके दुखों में शरीक होने से महरूम हो जाता है, उनको अपने जैसा इंसान समझने से कासिर हो जाता है, और जब इंसान से इंसान टूटता है महाराज। दुनिया में 93% सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी उनके काटने से मर जाते हैं। जानते हो क्यों? खौफ मार देता है उन्हें। आपको वहां भेजने का मकसद दूर दराज के इलाकों को मिसाली बनाना था। वफद पे वफद चले आते, क्या आपकी सबके साथ दुश्मनी है? न्याज मोहम्मद है, वो जानता है मुझे जी। मैं बदमाश था जरूर, लेकिन ये मैं सब छोड़ चुका हूँ। बड़ी मिन्नतें करके मुझे लाया था यहाँ। असल में ये अपने अपने नुक्ते नजर की बात है। प्रोफेसर मुराद अपने उसूलों में कदरे सख्त गिर जरूर हैं, मगर अब ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। मैंने उसे बहुत रोका, मगर दरअसल ये नफा नुकसान वगैरह बड़ी रिलेटिव बातें हैं। जब किसी दिमाग में कोई धुन समा जाती है तो सब चीजों के मान ही बदल जाते हैं। कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? ये कि तुम बहुत गर्म मिजाज हो, खुशकी खोरे हो, अफसरी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है, और तुम्हें अपने स्टेटस का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। शिकार के शव का पता है ना, यूनिवर्सिटी के पास छोटा सा जंगल है ना, उसमें कुछ वैश्य दरिंदे घुस आए हैं। मैंने सोचा उनकी मदद कर दी। यशरब नगर के चौधरी के हुक्म पे शीश निवाला, मारने वाले सागर घोड़े डाल गए, न मारने वाले बंदर जाति बन गए। माथा टेकते हो बंदरो? पीर साहब, हम तो ठहरे उम्मती लोग, वो है सैयद ज़ादा। कभी कभी बात ऐसी निकालता है कि हाँ हल जाता है। आप मिर्जा साहब के बचपन के दोस्त हैं। आई विल बी फ्रैंक विथ यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मामला मेरी पहुंच से बहुत बाहर। उम्र उसकी पढ़ने की है, सोचने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, फिर क्या परेशानी है उसे? खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ तो मिल रहा है उसे। सवाब ले अव्वल तू लवल तौबा अखलास सर्रे रज़ा।